अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईकॉम पार्ट वन की डेट शीट फॉर द एनुअल एग्जाम 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब। पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उन सब की एक ही डेट शीट होती है, इसी के मुताबिक आप सबका पेपर होगा। तो आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। तो इसमें दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप का जो टाइमिंग है वो 8 बजे शुरू होती है, जो दूसरा ग्रुप है उसकी टाइमिंग 1 बजे शुरू होती है। लेकिन फ्राइडे को जो टाइमिंग होती है सेकंड ग्रुप की वो 2:30 होती है, जिसको आपने ज़हन में रखना है। जी बिस्मिल्लाह, डेट है 7 मई 2024 7 मई 2024 ट्यूसडे मंगल के दिन पेपर होगा। फर्स्ट ग्रुप में पेपर होगा बिजनेस मैथ का, फर्स्ट ग्रुप में बिजनेस मैथ का पेपर है। सेकंड ग्रुप में कोई पेपर नहीं है जो आईकॉम वालों का। उसके बाद 8 मई 2024 वेडनेसडे बुध के रोज़ इंग्लिश लाजमी का पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। जिनका फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप में पेपर देंगे इंग्लिश का, जिनका सेकंड ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप में पेपर देंगे। उसके बाद 9 मई 2024 थर्सडे जुमेरात इस्लामिक एजुकेशन यानी जो इस्लामियत लाजमी है पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। इस्लामियत जो इस्लामिक एजुकेशन है उसका मतलब होता है इस्लामियत लाजमी। फिर 11 मई 2024 सैटरडे हफ्ते वाले दिन उर्दू लाजमी का पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप में भी उर्दू लाजमी है, सेकंड ग्रुप में भी उर्दू लाजमी है। और सेकंड ग्रुप में एक और पेपर है पाकिस्तानी कल्चर, ये उन स्टूडेंट्स का पेपर होता है जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं जो उर्दू नहीं पढ़ते, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो गैर मुल्क स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद है 14 मई 2024 ट्यूसडे मंगल का पेपर होगा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, मंगल का पेपर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का। उसके बाद है 14 मई के बाद 15 मई 2024 वेडनेसडे बुध वाले दिन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखें आपके जो डेट शीट है इसमें छुट्टियां बड़ी कम है, तो आपने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी है ताकि छुट्टियों में, अगर छुट्टियां नहीं जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको छुट्टियाँ कम है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का फौरन बाद अगले दिन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो आप इस तरह तैयारी करें ताकि आपको जब पेपर के दौरान कोई मुश्किल पेश ना आए। जी 15 मई के बाद है 17 मई 2024 फ्राइडे तर्जमात कुरान का पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं गैर मुस्लिम हैं उनके लिए एथिक्स और सिविक्स का पेपर होगा, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का। उसके बाद लास्ट पेपर है 21 मई, लास्ट पेपर है, इसमें काफ़ी सारी छुट्टियाँ आपको 21 मई 2024 मंगल वाले दिन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग का पेपर लास्ट में, इसमें आपके काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी हैं 4 छुट्टियाँ। लेकिन जो पहले पेपर ये 3 कंसर्टिव पेपर हैं बिजनेस मैथ इंग्लिश इस्लामिक इस्लामिया लाजमी, इसमें कोई छुट्टियाँ नहीं है। सबसे पहले इन तीनों पेपर्स को आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि पेपरों के दौरान आपके पास टाइम कम ना हो, सिर्फ रिवाइज करना अपने पेपरों में, अभी आपने पूरी तैयारी रखनी है। तो आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।